हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ऑल क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आपके लिए डेली बेसिस से वीडियो लाती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस करा रही हूँ। ऐसा आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों, जैसा कि आपकी परीक्षाएँ जो है चुनाव के बाद ही होंगी, और तब तक आप डेली बेसिस अपना प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एक सीट लेने के लिए कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है आप समझ सकते हैं। सभी पहले के समय कंपटीशन कम होता था, लेकिन अब जितना समय बीत रहा है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आपसे कहीं अधिक तैयारी करने वाला आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई अधिक तैयारी कर चुका है तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं, चाहे थ्योरी सेशन पढ़ना चाहती हूँ, फ्री वेज से क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड डेली बेसिस मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ डेली बेसिस पे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक आदर्श वाक्य में सीटीएस पद इंगित करता है। तो आपको पता है कि ओलंपिक आदर्श वाक यानी ओलंपिक मोटो की रचना फादर हेनरी डिडोर ने किया था। ओलंपिक छल्लों के नीचे ओलंपिक मोटो दर्शाया गया है, जिसमें सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस होता था। अब नया शब्द टुगेदर भी, कम्युनेटर भी जुड़ गया है, यानी कि अब कहा जाएगा सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस, कम्युनेटर, जिसका अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ। यानी यहाँ पे सीटीएस का अर्थ हो जाएगा और तेज। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करने वाला निकाय कौन है? तो दोस्तों, भारतीय खेलों में ओलंपिक टीमों की भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करने वाला निकाय है IOA, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना 1927 में किया गया और वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटी उषा। नेक्स्ट है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? आप सबको पता है बैरन पीरेडी कुबर्टिन के प्रयास से 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस के पैनाथेनिक स्टेडियम में खेला गया, इसलिए बैरन पीरेडी कुबर्टिन को ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस नगर या राज्य ने शिक्षा के द्वारा योद्धाओं के प्रशिक्षण पर बल दिया? तो आपको पता है वह है स्पार्टा, क्योंकि यहाँ पे जो अपंग और कमजोर बच्चे पैदा होते थे टाइगर्स पर्वत से नीचे फेंकवा दिया जाता था। इन लोगों का मकसद ही बेस्ट योद्धा तैयार करना था। नेक्स्ट है, स्पार्टा की शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित को पैदा करना था। तो अभी जस्ट हम पढ़े हैं, ठीक है, क्या पैदा करना था? योद्धाओं को पैदा करना था, सैनिकों को। नेक्स्ट है, उस स्टेडियम का नाम क्या है जहां प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए? वो था दोस्तों पैनाथेनिक स्टेडियम 1896 एथेंस में। नेक्स्ट है, पेशी तंतु यानी मसल फाइबर एक पतली झिल्ली से आच्छादित होता है जिसका नाम है? तो दोस्तों, उसे कहा जाता है सार्कोलेमा, से ढका रहता है झिल्ली से जो हमारा पेशी तंतु होता है। जैसे कि जो पेशी तंतु घिरा होता है संपूर्ण पेशी को ढका रहता है एपिमाइसियम से, एंड जो आपका पेशी तंतु के समूह होते हैं वो पेरिमाइसियम से, एंड एक मसल फाइबर एंडोमाइसियम से ढका रहता है, और मसल फाइबर एक पतली झिल्ली से आच्छादित होता है, उसको भी कहते हैं सार्कोलेमा। नेक्स्ट है, शक्ति में वृद्धि किसके सशक्तिकरण से होती है? तो दोस्तों,
मसल्स फाइबर में मसल्स में जो शक्ति में वृद्धि होती है वो सार्कोलेमा के सशक्तिकरण के कारण होती है। जैसे कि जो हमारा मसल्स है दो फिलामेंट होते हैं मसल्स फाइबर में, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन एक्टिन की ही एक परत होती है जो दोनों तरफ एक क्रॉस बनाती है जेड लाइन, उसके बीच में एक्टिन और मायोसिन उपस्थित होता है और उसी को सार्कोमियर कहा जाता है। तो एक्टिन की मायोसिन फिलामेंट पर खिसकने से मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट होता है। तो शरीर वृद्धि किसके सशक्तिकरण से होती है? सार्कोलेमा से, जो एक झिल्ली होती है जिसे मसल्स फाइबर जो है वो ढका रहता है, तो उसी से उसमें जो भी चीजें होती हैं वो जाती हैं। नेक्स्ट है, किसी पेशी के आकार में वृद्धि किसमें वृद्धि का परिणाम है? तो दोस्तों वह सार्कोमियर में वृद्धि का परिणाम है। ठीक है, ये आपका सार्कोमियर हो गया, यहाँ पे आपका मायोसिन हो गया, ये आपका एक्टिन हो गया। ठीक है, तो इस वाले भाग को हम कहेंगे सार्कोमियर। तो इसमें वृद्धि, पेशी आकार में वृद्धि का मतलब सार्कोमियर में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी रक्त कणिकाएं यानी ब्लड सेल्स बैक्टीरियल स्क्वेंजर्स यानी जीवाणु अपमार्जक कही जाती है? तो दोस्तों वो है WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वह शरीर को इम्यूनिटी पावर देती है, बैक्टीरिया के प्रभाव से बचाती है। नेक्स्ट है, कौन सी रक्त कणिकाएं लसिका ग्रंथियों में बनती हैं? दोस्तों तो लसिका ग्रंथियों में WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है और उसमें RBC का अभाव होता है, इसलिए टी लिम्फोसाइट जो होता है वो जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, प्रति मिनट सांस ली गई वायु का आयतन यानी वॉल्यूम होता है? तो दोस्तों प्रति मिनट में हम कम से कम 5 लीटर वायु आयतन को हम ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, प्रति मिनट सांस ली गई वायु के आयतन को यह भी कहा जाता है। तो जो प्रति मिनट सांस ली गई वायु के आयतन को हम मिनट आयतन या मिनट वॉल्यूम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वायु का वह आयतन जो साधारण स्थिर श्वासोच्छ्वास में फेफड़ों में जाता है क्या कहलाता है? यानी कि वायु का वह मात्रा या आयतन जो साधारण या स्थिर ब्रीदिंग में श्वासोच्छ्वास मतलब ब्रीदिंग सांस लेना और बाहर निकलना में फेफड़ों में जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम का सिंपल सा बात समझिए कि जो हम साधारण रूप से श्वसन लेते हैं वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक सामान्य शांत श्वसन या श्वासोच्छ्वास में फेफड़ों में भरी और निकाली जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतः श्वसन कितनी अवधि का होता है? तो एक अंतः श्वसन जो है जो इंस्पायरेशन होता है श्वास को अंदर लेने में फेफड़ों में 2 सेकेंड का समय लगता है और बाहर निकालने में 3 सेकेंड का, एक्सपायरेशन में 3 सेकेंड का समय लगता है और अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन में 2 सेकेंड का। नेक्स्ट है, कोहनी से कलाई तक की मुख्य अस्थियां कौन है? आपको पता है अंगूठे से की तरफ से रेडियस जाती है और छोटी उंगली की तरफ से अलना जा करके कोहनी पे मिल जाती है, तो रेडियस एल्ला हडिया राइट हो जाएंगी। नेक्स्ट है, सेट कमांड में स्प्रिंटर किस स्थिति में होता है? तो स्प्रिंट दौड़ों जैसे 100, 200, 400 मीटर दौड़ एंड 4x100 मीटर रिले रेस, इसमें 3 कमांड दिए जाते हैं, ऑन योर मार्क सेट एंड गो। जो सेट कमांड पर जो धावक की स्थिति होता है वो अस्थिर समयावस्था होता है यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी किस चाल से 10 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ेगा। अपने से समझ सकते हैं, एकदम इजी है। 10 मीटर प्रति सेकेंड दौड़ेगा तो 10 सेकेंड में 10 दहाई में 100 मीटर दौड़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, दौड़ के अंत के निकट धावक पर असर डालने वाले बल है। तो दोस्तों, दौड़ के अंत में हो या आप बॉल फेंकते हैं तो बॉल जाके रुक जाता है, तो उस पर भी जो है दौड़ के अंत में जो भार है, वेट है, वो आपका असर डालता है। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो असर डालता है, जैसे फ्रिक्शन हो गया, घर्षण एंड वायु का प्रतिरोध, एयर रेसिस्टेंस, ये सभी चीज़ें प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संधि का प्रारूप नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि जो हमारा ज्वाइंट्स होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, अचल, अर्धचल और चल संधि। अचल संधि को फिक्स ज्वाइंट, फाइबर ज्वाइंट, साइनोथोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। एंड जो अर्धचल संधि होता है, जो थोड़ा थोड़ा गति होता है, उसे सिकली मूवेबल ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट आदि नामों से जाना जाता है। एंड जो चल संधि होता है, उसे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे फाइबर्स ज्वाइंट अचल संधि को बोला जाता है, उपास्थि सम कार्टिलेजियस ज्वाइंट अर्धचल संधि को बोला जाता है, श्लेष्मक यानी साइनोवियल ज्वाइंट चल संधि को बोला जाता है। ये तीनों एक संधि का प्रारूप है बट अस्थिकृत, ऑसिफॉइड नहीं है। नेक्स्ट है, संधियों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, जोड़ों का जो अध्ययन है उसे ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी एंड मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वच्छंद रूप से चलायमान संधि, यानी कि ये फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट चल संधि की बात कर रहा है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ था, DAS, यानी चल, अर्धचल और अचल संधि। डी मतलब होगा चल संधि, यानी कि डी से मतलब चल संधि, चल संधि को डायर्थ्रोसिस कहते हैं। ए से एम्फियार्थ्रोसिस यानी अर्धचल संधि को एम्फियार्थ्रोसिस कहते हैं, और एस से हो गया अचल संधि को साइनोथ्रोसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे स्वच्छंद रूप से चलायमान यानी कि चल संधि की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, तो इसको डायर्थ्रोसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दबाव यानी स्ट्रेस है। दोस्तों, स्ट्रेस, दबाव यानी चिंता जो है वो मध्यम लेवल पर होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, यानी कि स्थिति के अनुसार होना चाहिए। जो स्ट्रेस होता है, स्थिति के अनुसार लाभ और हानि दोनों पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, मास्लो की आवश्यकताओं को क्रम परंपरा में निचले स्थान पर कौन है। तो दोस्तों, आवश्यकता का सिद्धांत मास्लो ने दिया, जिसमें सबसे निचले स्थान पर रखा शारीरिक संबंधी आवश्यकता को, और सबसे ऊपर उन्होंने आत्मसिद्धि को रखा था। वही क्वेश्चन आ गया, मास्लो की आवश्यकताओं की क्रमबद्धता में शिखर पर कौन सी आवश्यकता रखता है। तो दोस्तों, सबसे ऊपर शिखर पर आत्मसिद्धि को रखता है एंड सबसे नीचे शारीरिक संबंधी आवश्यकता को रखता है। नेक्स्ट है, ERG सिद्धांत किसने दिया। तो यह सिद्धांत दिया एल्डर फर्न ने। नेक्स्ट है, एल्डर फर्न का सिद्धांत आवश्यकताओं को तीन श्रेणियों में बांटता है। तो कौन सा सिद्धांत एल्डर फर्न का जो आवश्यकता है उसको तीन श्रेणी में बांटता है, वो है अस्तित्व की आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्न में कौन अंतर्भूत अभिप्राय यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी इंटरनल जो मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्राय कौन है। तो अभिप्राय दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल जो अंदर से आती है, एक्सटर्नल जो बाहर देख कर आपका मन करता है उसको करने के लिए। तो जैसे वेतन हो गया,
वेतन देख के आप किस आकर्षित होते हैं उस काम को करने के लिए, प्रोन्नति को सोचकर, फीडबैक, ये सभी चीज़ें एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहरी मोटिवेशन है। जबकि खेल की अभिरुचि जो उसमें इंटरेस्ट है और स्पोर्ट्स में रुचि जो है हमारे अंदर से उत्पन्न हो रहा है, ये आपका आंतरिक अभिप्राय यानी इंटरनल मोटिवेशन है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का द्विकौरक सिद्धांत किसने दिया। तो अभिप्रेरणा का द्विकौरक सिद्धांत को दिया है हर्ज़बर्ग ने। किसने दिया है? हर्ज़बर्ग ने। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत, रीइन्फोर्समेंट सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? तो इसको प्रस्तुत किया है स्कीनर ने, अभिप्रेरणा का पुनर्बलन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बालक को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संसार से परिचय कराने वाली प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों उसे समाजीकरण, सोशलाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट, समाजीकरण द्वारा मानव शिशु का व्यवहार कैसा हो जाता है? तो दोस्तों एक प्रकार के परिमार्जित किया जाता है उसे, तो परिमार्जित व्यवहार हो जाता है। नेक्स्ट है बालक एवं बालिकाओं का समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन अलग अलग क्यों होता है? दोस्तों अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण, दोनों की अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है मानव के सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए कौन सी अवधि अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है? दोस्तों यह अवधि होता है आपका जन्म से 5 वर्ष, जिसमें मानव के सामाजिक और मानसिक विकास अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसा बच्चा देखेगा, जैसा माहौल रहेगा, एनवायरमेंट रहेगा, वैसा ऑब्जर्व करने लगेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक या तत्व सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन एलिमेंट का महत्वपूर्ण प्रभावक है? तो दोस्तों ज़्यादातर बच्चा क्या देखता है, समाज में जो रीति रिवाज परंपराएं चल रही हैं वो सबसे ज़्यादा परंपरा इसको प्रभावित करती हैं। इसलिए अगर गलत रीति रिवाज परंपराओं में बच्चा पढ़ रहा है तो उसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा और उसका भी मानसिकता उसी प्रकार का संकीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों समाजीकरण जो है वह सम्यक या उचित रूप से कार्य करने को प्रोत्साहन करता है। नेक्स्ट है समाजीकरण के लिए क्या अति आवश्यक है? तो दोस्तों समाजीकरण के अति आवश्यक क्या है? तो समाज से संपर्क बनाएगा तभी तो समाजीकरण होगा, समाज से सीखेगा, तो प्रारंभिक सामाजिक संपर्क जो है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट है समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन निम्न में से किसमें होता है? तो दोस्तों शिशु में भी होता है, पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है, हर समय समाजीकरण हो रहा है, हर दिन हम कुछ नया सीख रहे हैं, तो उपरोक्त सभी व्यक्तियों में होता है। नेक्स्ट दोस्तों नॉकआउट पद्धति कितने प्रकार की होती है? टूर्नामेंट से क्वेश्चन है। जो नॉकआउट टूर्नामेंट होती है ये 4 प्रकार की होती है, सिंगल नॉकआउट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, दूसरा सातवना टूर्नामेंट प्रकार 1, प्रकार 2 जिसे कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, तीसरा डबल नॉकआउट या डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, चौथा वेगनल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नॉकआउट पद्धति का प्रकार नहीं है? तो ये 4 प्रकार मैंने बताया, कॉन्सोलेशन पद्धति भी है, वेगनर वाइल्ड पद्धति भी है, सिंगल नॉकआउट भी है, बट पिरामिड पद्धति नहीं है। तो जो पिरामिड पद्धति है वो चैलेंज टूर्नामेंट का भाग है। नेक्स्ट है सर्वांगीण संबंध निम्न में से किस समूह वर्ग की विशेषता है? दोस्तों सर्वांगीण जो संबंध है वो जो है प्राथमिक समूह की विशेषता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समूह प्राथमिक समूह नहीं है? तो दोस्तों परिवार, पड़ोस,
एंड क्रीड़ा, ये तीनों प्राथमिक समूह के एग्जाम्पल हैं, बट उपभोक्ता समिति यह नहीं है क्योंकि यह द्वितीय समूह है। नेक्स्ट है क्रीड़ा समूह, स्पोर्ट्स ग्रुप समूहों के निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों अभी जस्ट परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, ये सब प्राथमिक समूह वर्ग में आता है, तो प्राथमिक आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्सोलेशन प्रतियोगिता कितनी प्रकार की होती है? ये नॉकआउट टूर्नामेंट का भाग है और कॉन्सोलेशन भी दो प्रकार का होता है, प्रकार वन और प्रकार टू, जिसको मैंने टूर्नामेंट वाले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। टूर्नामेंट के कोई भी डाउट होगा आप टूर्नामेंट वाले वीडियो को देखिए और हर एक डाउट क्लियर कीजिए, मेरे शॉर्ट में सभी चीज़ें अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट है किस प्रतियोगिता पद्धति में एक टीम को सभी टीमों से खेलना पड़ता है? तो दोस्तों राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जो होता है, जिसे लीग टूर्नामेंट भी कहते हैं, जिसमें एक टीम को सभी टीमों से खेलना पड़ता है, जबकि नॉकआउट में क्या होता है कि जो टीम जीत जाती है वो बाहर निकलती जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के सिंगल लीग प्रकार में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों सिंगल लीग, डबल लीग दो प्रकार का होता है। सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n(n-1)/2, एंड डबल लीग में n(n-1)/2 नहीं रहेगा बस और सेम रहेगा, या n जो है टीमों की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैयारी काल में सहनशीलता यानी एंड्योरेंस विकास के साथ साथ प्रदर्शन के कारकों को बनाए रखना होता है, यह कथन किसके शब्दों में है? यह मेटवीएव का कहना है। नेक्स्ट है प्रदर्शन के अन्य कारकों को जीवों का त्यों बनाए रखने के साथ साथ खिलाड़ी में व्यक्ति का विकास किया जाता है, यह कथन किसका है? तो यह भी है मेटवीएव का। नेक्स्ट है प्रशिक्षण चक्र का समय 5 से 10 दिन का होता है, यह कौन सा चक्र होता है? तो आपने करेक्ट आंसर दे दिया होगा, यह चक्र कहलाएगा माइक्रो चक्र, जिसे साप्ताहिक योजना भी कहा जाता है। आपको पता है कि जो प्रशिक्षण चक्र ट्रेनिंग साइकिल होता है, 3 साइकिल है, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। मैक्रो जिसे ट्रेनिंग योजना भी कहा जाता है, सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है 3 से 12 महीने या 1 साल का, और जो दूसरा होता है मीजो चक्र, जिसे तैयारी काल या मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवस्थन चक्र या मध्यम समय भी कहा जाता है, इसमें 3 से 6 सप्ताह का होता है यानी 1 से 1.5 माह का, और मीजो चक्र को तैयारी काल भी कहते हैं। एंड तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जिसे सूक्ष्म अवधि या साप्ताहिक योजना या माइक्रो साइकिल सबसे छोटा चक्र होता है, इसमें समय 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है? अभी जस्ट में बताई, इसे साप्ताहिक परीक्षण चक्र यानी वीकली ट्रेनिंग साइकिल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, और डेली बेसिस मेरे साथ इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आपको एक सीट मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं आज के, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।